नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सरडा अभी मौजूद हूँ विभिन्न परिसर में। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे झारखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी केस में कमी आई है। लेकिन रोज यहाँ पर रोटी द्वारा जरूरतमंदों के बीच खाना का वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ के तस्वीरें दिखाए। यहाँ पे लोग लेट से लेके कतार में खड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, जब से लॉकडाउन है तभी से रांची के युवा और संस्था सामने आके जरूरतमंदों को हेल्प कर रहे हैं, और उसी में से एक है मानस संस्थान द्वारा संचालित रोटी बैंक, जिनके संचालक है विजय पाठक। ये लगातार जरूरतमंदों के बीच खाना पहुंचा रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। तो कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं? ये सेवा हम लोग विगत 2 सालों से कर रहे हैं, और अभी कोविड के दिनों में लगातार तो सेवा हो रही है। हमारा सेवा जो है रोटी बैंक के माध्यम से 365 दिन का सेवा है। कहीं ना कहीं जिस स्थान पर हम लोग करवा रहे हैं, यहीं से प्रेरणा मिली है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मरीज के परिजन होते हैं, उन्हें भोजन की दिक्कत होती है, तो इस अवस्था में ये हमारा जो रोटी बैंक है उनके लिए सहायक सिद्ध हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के है, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सूखा राशन क्या आप लोग का ये सूखा राशन हम लोग वैसे लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, सीनियर सिटीजन हो गए, जो कुछ कोविड से पीड़ित हैं, उनके घर में दिक्कत है, वैसे लोगों के लिए दे रहे हैं। और हमारा रोटी बैंक का सिर्फ और सिर्फ बना हुआ भोजन हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर, आप लोग नहीं? नहीं, सरकार से नहीं है, ये हमारा खुद का लेवल से है। और साथ में समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विचारधारा के अनुकूल रखते हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सहयोग से हम इस कार्य को कर पा रहे हैं।